आज हम बना रहे हैं टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, जिसके लिए मैंने टमाटरों को बहुत अच्छे से धो दिया। धोने के बाद सबसे पहले मैं इनको छोटा छोटा काट लूँगी। ये टमाटर का ये जो थोड़ा सा ऐसा काला वाला पार्ट होता है, इसको हटा दें, इससे क्या सफाई से टमाटर कट जाएंगे और जो हमारी चटनी बनेगी उसका कलर भी बिल्कुल रेड आएगा। इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करूँगी, दूसरी वाली लाल मिर्च यूज़ नहीं करूँगी, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। हरी मिर्च को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग छोटा छोटा काट लें। मैं एक हरी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, आप एक से ज़्यादा दो भी डाल सकते हैं। अब कच्ची हल्दी और अदरक को भी ग्रेट करके रख लें। मसाले स्वादानुसार कश्मीरी लाल मिर्च, हींग, सौंठ पाउडर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, नमक और ये चीनी, खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए। इसके अंदर मैं जीरा और अजवाइन का छौंका दूंगी, सरसों के तेल में बनाऊंगी। अब सरसों का तेल गर्म हो जाए वैसे ही हम जीरा और अजवाइन का छौंक डाल देंगे। अब इसमें टमाटरों को चलाएंगे। और साथ में डालेंगे स्वादानुसार मसाले। इसमें पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, टमाटर के पानी से ही ये चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। अब हम इसको ढक देंगे और फ्लेम को रखेंगे लो, और फिर ये हमारी थोड़ी देर में अभी तैयार होती है। टमाटर धीरे धीरे हल्के सॉफ्ट हो रहे हैं और इसको अभी हम ढककर और पकाएंगे। अब हमारी टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसको मैंने लो फ्लेम पर 10 मिनट्स तक कुक किया है और बीच में मैं इसको बराबर चलाती रही हूँ, दो तीन बार मैंने इसको चला दिया था। अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे और गैस बंद कर देंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। आप इसको पूरी परांठे किसी के साथ भी सर्व कर सकती हैं।